कोरोना फोबिया नाम का एक अभी नई बीमारी चालू हुई है और उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कोरोना का इतना ज्यादा अभी तो कोरोना को एपिडेमी करके घोषित किया है WHO ने, मगर इतना ज्यादा इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है उसकी। कहाँ भी आप बैठे तो कोरोना के बारे में बातचीत हो रही है। क्या हो गया कि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये जो है इससे तो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा, उसकी जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल रही। अमेरिका में किसको एक कोरोना आज हो गया एक व्यक्ति को, तो उसकी न्यूज़ हमको अकोला में बैठे बैठे तुरंत कुछ सेकंड में मिल जाती है। तभी उससे हो रहा क्या है कि लोगों को कोरोना फोबिया हो गया, कोरोना से पैनिक अटैक आ रहा है। कुछ लोग मेरे पास में अभी ऐसे आ रहे हैं कि जिनको कोरोना फोबिया हो गया है और अभी वो लोग बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे, वो घर में रह रहे, अभी ड्यूटी पे नहीं जा रहे। उनको ऐसा डर लगता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, थोड़ी भी खांसी आ रही तो एकदम इतने डर के मारे वो ऐसे बेहाल हो जाते हैं कि उनको घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो रही है और उनको लगता है कि अभी मुझे कोरोना हो गया, ऐसी उनकी हालत खराब हो रही है। अभी मेरे पास में जो लोग आ रहे हैं उनको मैं अभी साइकोथेरेपी दे रहा हूँ, काउंसिलिंग कर रहा हूँ, उनको कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो एक दो बार वो बाहर गए और उनको पैनिक अटैक आ गया। कोई खांसी वाला आदमी दिखा उसके सामने, वो आए और उन्होंने उसको उसके पास में गए थे, उनको लगा आपने को कोरोना हो गया और उसको इतना जबरदस्त अटैक आ गया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कि अभी उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, अभी अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक। तो फिर उसको फिर अल्टीमेटली निकला, कुछ भी नहीं है, उसको ना खांसी है ना बुखार है, उसको कोरोना फोबिया, इतना डर और उससे पैनिक अटैक उसको इतने आ रहे कि अभी वो मेंटल पेशेंट बन गए लोग। और अभी मेरे पास में कम से कम 4 लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना फोबिया से अभी ग्रसित है, वो घर के बाहर निकल नहीं रहे। उनको मैंने ट्रीटमेंट चालू किया है, कुछ मेडिसिन चालू किया है, उनको साइकोथेरेपी दे रहा हूँ और उनको ऐसा काउंसलिंग की ज़रूरत है। और उनको ये बताया मैंने, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, पहले मैंने वीडियो डाला है कि भाई कैसे बच सके, तो उसके बारे में मैं काउंसलिंग करता हूँ। और सबसे ज़्यादा यह है कि कोई डरने की बात नहीं, शांति रखो, कोरोना हुआ कोई मर रहा ऐसा नहीं है, है ना, केयर लेना चाहिए, बचना चाहिए, कोरोना नहीं होना, इसलिए जो भी कुछ करना है वो करो। होने के बाद में अभी मर गया ऐसा नहीं है, इतना ऐसा नहीं है, 1-2% लोग मरते हैं, उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए पहले से हम यदि अपनी इम्यून सिस्टम अच्छी रखे, बरकरार रखे, सेहत अपनी अच्छी है, पहले से थोड़ा भी कुछ हो गया है, खांसी बुखार आ रहा है, तो थोड़ा इमीडिएटली उसका इलाज करे एंटीबायोटिक से, और जो भी कुछ इलाज करना है डॉक्टर की सलाह ले लो, और देखना है कि भाई हम उसको कैसे अपना जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बढ़ा सकेंगे उससे। तो हम करते हैं तो कोरोना फोबिया आपको भी होगा नहीं, कोरोना फोबिया फोबिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, शांति रखो। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्च महीने तक 31 मार्च तक ये होगा, क्योंकि अप्रैल महीने में जैसी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये कोरोना वायरस वैसे ही फैलना कम हो जाएगा। अभी कुछ दिन तक राहत लोगों को मिलना जरूरी है, थोड़ा साइलेंस रखना है, शांति रखना है, अपना मन स्वास्थ्य शांत रखना है और डरने की बात नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि एक नई बीमारी हमको भी ट्रीट करनी पड़ रही है एज ए साइकियाट्रिस्ट, तो उससे लोग बच जाएंगे, नई बीमारी चालू हो गया तो वो लोगों को नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।